फाइनली ई एवरी वन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सो आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन तो so, पोल्यूशन इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यू पी एस सी चाहे प्रुलम्स हो गया चाहे मेन्स हो गया पल्यूशन पे रीसेंट ट्रेंड एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि इस टॉपिक पे जो सवाल है वो आ रहा है प्रिलिम्स में भी और आपके मेंस में भी ओके सो हाय गुड इवनिंग एवरीवन आज तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर अटेंड करिए क्योंकि हम साथ साथ जी एस थ्री का पेपर जो हमने कल एनालाइज़ किया जिन लोगों से कल का डिस्कशन मिस हुआ है बीच में मैं उसके कुछ ना कुछ हिंट्स आपको देती रहूँगी बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द हॉट टॉपिक ऑफ़ यू ओके तो चलिए आज हम इन्वायरमेंट पोल्यूशन पड़ेंगे कल का पेपर आपने देखा डिस्कशन आप लोगों ने देखी है क्या आई एम आस्किंग यू से येस और नो जो कल डिस्कशन जी एस थ्री की हम लोगों ने की सुदर्शन सर अनिरुद्ध सर मैंने वन आवर सिक्सटीन मिनट्स का था तो चलिए यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको मेरे सारे पी और अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे और छोटा मोटा ज्ञान जो मैं डेली टेलीग्राम चैनल पर डालती रहती हूँ आप अपना प्रिपरेशन यू का हमारे साथ ईजी कर सकते हैं रिसेंटली आई जस्ट मेड अ रील की वाई वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू क्यों करना चाहते हैं तो आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए अगर आपका वाई क्लियर है अपना प्रिपरेशन शुरू कीजिए राइट रीजंस के लिए प्रिपेयर कीजिए जिस तरह से लोग बोलते हैं बहुत शहरत मिल जाएगी पावर मिल जाएगी इन सब रीजंस के लिए अगर यूपीएससी प्रिपेयर हैं, देन डोंट प्रिपेयर क्योंकि वो सिर्फ आपको डाइवर्ट करते हैं आपके गोल तक नहीं पहुँचाते तो अगर आपका ड्रीम है यू क्लियर करने का आपका वाई क्लियर है सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन शुरू करें जितना डिले करेंगे उतना खुद को लेट करेंगे इस प्रिपरेशन से सो चूज़ अन अकेडमी वाई बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारे एजुकेटर्स मिलते हैं आपको जो भी एडुकेटर पसंद है आप उसको आ, पढ़ सकते हैं उस टीचर से पढ़ सकते हैं बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं अब अन अकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन है दिस इज माई कोड वीरो यू पी एस सी पे आपको टेन परसेंट ऑफ मिलेगा या जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट उस टाइम चल रहा है यू विल गेट दैट और इस पर आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी रहेगी लेट मी नो इन माई टेलीग्राम कि आपने मेरा कोड यूज़ किया है आपको थ्रू आउट प्रिपरेशन मेरा पर्सनल गाइडेंस रहेगा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन प्लस एन आइकॉनिक ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं और अभी फिलहाल बहुत एक अच्छा ऑफर लेके आए हैं हम लोग सेप्टेम्बर एक्सटेंशन ऑफर ये है ट्वेल्व मंथ्स का अगर आप लेते हैं वन मंथ फ्री मिलेगा एटीन मंथ्स का लेते हैं फोर मंथ्स फ्री मिलेगा ट्वेंटी फोर मंथ्स का लेते हैं तो सी एस सी एश्योर जिसमें क्या है आपका टू प्लस वन ईयर का वैलिडिटी आपको अन अकेडमी की तरफ से दिया जाता है यानी आप दो साल से ज़्यादा का लेते हैं तो आपको एक साल फ्री मिलता है अन अकेडमी की तरफ से इफ़ यू आर नॉट सेफाइड विद योर रिजल्ट्स एंड यू वांट टू प्रिपेयर अगेन बहुत ही कम समय तक ये ऑफर है ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर तक अगेन दिस कोड रिमेंबर दिस कोड तो डिस्कशन हम शुरू करते हैं ओके okay. रेमी सिंह सब लोग जेके एस एस बी के एग्जाम्स के, के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है वो आपका कवर होगा टेलीग्राम का लिंक जो है मेरा आप शुरू में देख सकते हैं जो मैंने आपको ये वाला दिखाया दिस इज द टेलीग्राम ओके रोनिका अंडर स्कोर ठीक है आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा सो दिस इज इट ओके नाउ सी टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन से हम शुरू करेंगे कल का पेपर देखा होगा तो पोल्यूशन से सवाल आया है कौन सा फोटोकेमिकल स्मॉग देखा आपने पेपर क्या आप उसको अटेम्प्ट कर सकते थे फो, फो, अगर आप मेंस में बैठे होते फोटोकेमिकल स्मॉग को अटेम्प्ट कर सकते थे और उसके साथ ही सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चंस में पूछा गया था ग प्रोटोकॉल यूजली हम सारे प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशन ऐसे पढ़ते हैं जो बहुत फेमस होते हैं दिस इज वन प्रोटोकॉल जो बहुत फेमस नहीं है बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते तो हो सकता है अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम तो नहीं मालूम इस क्वेश्चन को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एनी वे टूडे सो लेट्स सी गाइज आपके कॉमेंट्स में लास्ट में देखूँगी थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाते वरना यहाँ पर आपके सवालों में ही मेरा टाइम जो है वो निकल जाएगा सो so, पोल्यूशन को देखो वैसे यहाँ पे मैं आपको साथ साथ पेपर का भी समझाती हूँ कि अगर आपने जीएस थ्री का कल पेपर देखा है बहुत सारे क्वेश्चन क्योंकि जीएस में आपका इकोनॉमी का सेक्शन भी है आपका साइंस एंड टेक भी है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ही पार्ट आप डिजास्टर मैनेजमेंट भी मान लीजिए ठीक है ये दोनों पार्ट्स तो ये दोनों मेरे आ, सब्जेक्ट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट एंड एकोलॉजी आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए थे सिर्फ इन्वायरमेंट एंड एकोलॉजी से ही आपका सिक्सटी फाइव मार्क्स का पेपर आया था और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छे से आप उसको अटैम्प्ट कर सकते थे थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगी देखिए लास्ट ईयर यू पी एस सी ने पूछा था ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के बारे में ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के बारे में और कॉप ट्वेंटी सिक्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ट्वेंटी सिक्स के बारे में ये टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का पेपर है और इस

सीरीज में शुरू में आ, ये जो प्लेलिस्ट आप जहाँ पे ये वीडियो देखते हैं शुरू में जो फर्स्ट वीडियो है ट्रेंड एनालिसिस किया था तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट था वहाँ पे ये सब मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह के सवाल आएंगे ओके नाउ सी पल्यूशन पल्यूशन को अगर पल्यूशन पे कोई भी सवाल आता है किसी भी तरह की पल्यूशन पे तो पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है पोल्यूशन क्या है आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी एडिशन अगर अनडिज़ायरेबल मटीरियल जो कि हार्म करेगी इन्वायरमेंट को वो अनडिज़ायरेबल मटीरियल है इन्वायरमेंट में कोई भी अनडिज़ायरेबल मटीरियल ऐड हो रहा है नेचुरल रीजन से या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उसको हम पल्यूशन कहते हैं और जो एजेंट्स जिनकी वजह से पल्यूशन होता है उनको हम पल्यूटेंट्स कहते हैं सो so, क्लियर है की डेफिनेशन जरूर लिखिए और हर चीज़ की एक एक डेफिनेशन से रट के रखिए अब पल्यूटेड जो है जो पल्यूशन क्रिएट करता है वो अलग अलग तरह का हो सकता है वो फिजिकल भी हो सकता है उसकी प्रॉपर्टीज़ केमिकल भी हो सकता है इन नेचर बायोलॉजिकल भी हो सकता है और हो सकता है अन इंटेंशनली वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए इन्वायरमेंट के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई ना कोई नुकसान नेगेटिव इम्पैक्ट पल्यूटेंट जो भी है उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होगा नहीं कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है इन्वायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है एक पल्यूटेंट के तो अगर हमको अल्टीमेटली uh, पोल्यूशन रोकना है एक किसी देश की हम इंडिया की बात करेंगे गवर्नमेंट क्या कर रही है पोल्यूशन को रोकने के लिए अगर ग्लोबली देखेंगे तो बहुत सारे कन्वेंशनस एंड प्रोटोकॉल्स हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये लोग लेके आए थे कब जब 1984 में क्या हुआ था भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी भोपाल डिज़ास्टर हुआ था उस डिज़ास्टर के बाद 1986 में हमने इन्वायरमेंट को सीरियसली लेना शुरू किया एंड वी ब्रॉट इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ताकि हम क्वालिटी जो है एयर की वाटर की सॉइल की उसको प्रोटेक्ट कर सकें उसको इम्प्रूव कर सकें सो दिस इज़ पल्यूशन फॉर यू जो आपको हर जगह वाटर पोल्यूशन पे आता है एयर पोल्यूशन पे आता है एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन पे कोई सवाल आता है तो ये लाइंस आप वहां पे डाल सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में ठीक है देखिए, एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन ऐसे टॉपिक्स हैं समझने में तो बहुत ईजी हैं, इसलिए हम इनको बहुत हल्के में लेते हैं कि यार ये तो हम कुछ भी लिख के आ जाएंगे एक्चुअल में हमको 150 वर्ड्स में लिखना पड़ता है ना या 250 वर्ड्स में आंसर को कंक्लूड करना पड़ता है ना तो आप जनरल चीजें नहीं लिख सकते वहां पे आपके पास स्पेसिफिक कीवर्ड्स होने चाहिए जो आप यूज करेंगे तभी आपका आंसर बाकी के एस्परेंट से अलग होगा तभी आप सिलेक्शन आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स क्लियर करके गए हैं सबका नॉलेज एक लेवल पे है अब आपको उनसे क्या अलग करना है अपनी सिलेक्शन के लिए सो so ये टॉपिक्स जितने इजी दिखते हैं लिखने में उतने ही टफ हो जाते हैं सो की वर्ड्स पे फोकस कीजिए जैसे यहाँ पे की क्या है अनडिज़ायरेबल मटीरियल ये जो पल्यूटेंट को डिफाइन किया तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि सब्सटेंस फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कैसे भी हो सकते हैं आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को बताइए और ये नॉलेज होना कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों लाया गया किसके बाद लाया गया क्रोनोलॉजी इज इम्पोर्टेंट कि 84 भोपाल डिजास्टर के बाद ये आया ठीक है नाउ सी एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन क्या है इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कोई भी सॉलिड लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है जो एटमोसफेयर में हो इनफैक्ट योर नॉइस एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी इसमें आती है इस कॉन्सेंट्रेशन में है कि वो ह्यूम के लिए हार्मफुल है बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है जो बिल्डिंग मटेरियल्स प्रॉपर्टी है उनके लिए हार्मफुल है और डायरेक्टली आपके इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस के साथ इंटरफेयर कर रहा है दैट इज एयर पोल्यूशन फॉर यू एवर इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्योंकि हम क्या है अभी एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता आपकी fuels, है आपकी फॉसिल फ्यूल्स हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है दैट इज वाई वी वॉन्ट टू शिफ्ट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी पे भी सवाल है अब फॉसिल फ्यूएल्स अगर आप देखेंगे पावर प्लांट्स में यूज़ हो रहे हैं इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहे हैं माइनिंग में यूज़ हो रहे हैं किस इससे इसके कारण सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है ये सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एयर पोल्यूशन में ओके okay? तो ये चीज़ें ये आपका एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन आ गया एयर पोल्यूशन किन किन वजहों से होती है देखिए कल हमने देखा कि फोटोकेमिकल स्मोक पे भी जो क्वेश्चन आया एक बार मैं आपके लिए वो क्वेश्चन रिपीट करती हूँ जस्ट गिव मी सेकेंड ठीक है क्योंकि वो एयर पोल्यूशन का तो उन्होंने बोला डिस्कस इन डिटेल फोटोकेमिकल स्मोक कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या है उसका फॉर्मेशन वो बनती कैसे है ठीक है फॉर्मेशन पूछे जाएंगे पेपर में या पोल्यूशन के कॉजेस पूछे जाएंगे उसके इफ़ेक्ट्स पूछे जाएंगे और फिर पूछा जाता है मिटिगेशन तो ये ट्रेंड रहा है यूपीएससी का कि आप कोई भी पोल्यूशन पढ़ रहे हैं कॉजेज इफेक्ट्स मिटिगेशन आपको आना चाहिए ठीक है और उसके साथ इन्होंने एक प्रोटोकॉल पूछ लिया तो एयर पोल्यूशन को भी जब हम पढ़ें तो इसी तरीके से पढ़ें कॉजेज़ क्या हैं किस वजह से एयर पोल्यूशन हो रही है उसके इफ़ेक्ट क्या हैं और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं तो कॉजेज़ में एटलीस्ट जब आप लिखेंगे तो आपको हेडिंग्स देनी है ठीक है तो कुछ हेडिंग्स आप तैयार कर लीजिए कॉजिज क्या है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एक रीजन है मेन सोर्स है किसका एमोनिया पोल्यूशन का जो एयर में जाके एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है उसके बाद एनर्जी जनरेशन अब आपके नाइट्रस ऑक्साइड्स ऑटोमोबाइल से निकल रहे हैं या कहीं से भी निकल रहे हैं या सल्फर ऑक्साइड जहां जहां से इंडस्ट्रीज से फैक्ट्री से रिलीज हो रहे हैं कंबस्टन से रिलीज हो रहे हैं ठीक है तो ये आपका क्या आ गया सॉरी uh, एक सेकेंड ये आपका एक एक और कॉज आ गया उसके बाद मोबाइल मशीनरी यानी कंस्ट्रक्शन आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन जहां पे हो रही होती है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स भी इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाइट्रस ऑक्साइड के और पर्टिक्यूलेट मैटर जो निकलता है कंस्ट्रक्शन साइड ये थर्ड बता रही हूं एक और कॉज आ गया फिर उसके बाद घरों में डोमेस्टिक सॉलिड फ्यूल जो आप चलाते जलाते हैं लार्जेस्ट सोर्स है ये पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का ठीक है पर्टिकुलेट मैटर 2.5 अगर आप यूएस में देखेंगे तो डोमेस्टिक सॉलिड फ्यूल ये भी एक रीजन है फिर उसके बाद आप कॉज दे सकते हैं कि भाई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस मेजर सोर्स हैं अगेन एनओ एक्स वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फर ऑक्साइड तो देखिए सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन इनकी वजह से हो रहा है नाइट्रोस ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड आपके पर्टिकुलट मैटर्स आपके वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ उसके बाद रोड ट्रांसपोर्टेशन दिस पॉइंट रोड ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही है यहाँ से नाइट्रोस ऑक्साइड निकल रहा है आपका अगेन वी ओ सीज पी एम एस टू एस टू सल्फर ऑक्साइड्स फिर शिपिंग ट्रांसपोर्ट हो रही है अगेन नाइट्रस ऑक्साइड्स हाउस होल्ड क्लीनिंग करते हैं इस तरह के पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं आप जो भी प्रोडक्ट पर्सनल केयर या क्लीनिंग में यूज कर रहे हैं उनसे आपका वॉलिटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल रहा है तो ये बुलेट पॉइंट्स में आप लिख लीजिए कि कॉजेज हैं किसके क्योंकि अगर आपको देखिए बुलेट पॉइंट पे एक एक ये वर्ड आता है ना तो इसको उसको एक्सपैंड आप कर लेंगे तो ये वर्ड्स आना इंपॉर्टेंट है जहां पे आप लिखेंगे एग्रीकल्चर एनर्जी जनरेशन नॉन रोड मोबाइल मशीनरी डोमेस्टिक सॉलिड फ्यूल हाउस होल्ड क्लीनिंग शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रियल प्रोसेस ठीक एक पार्ट अगर एयर पोल्यूशन पे आता है क्लियर है आपको कॉजेज में आपको ये सब लिखना है अब इसके बाद एयर पोल्यूशन का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडोर एयर पोल्यूशन जिस जिसपे हम ध्यान नहीं देते क्योंकि यूजुअली हम एन ओ की बात करते हैं ये तो बाहर इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं लेकिन घर के अंदर भी पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैंशन जब एयर पोल्यूशन पर सवाल आए इंडोर एयर पोल्यूशन जितनी घर में आप देखो रोज़ झाड़ू लगाते हैं ना कभी सोचा इतना इतनी गद्दगी कहाँ से आ रही है इतनी डस्ट कहाँ से आ रही है तो घर के अंदर डर्ट डस्ट गैसेस जो बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर आती हैं ट्रैप हो जाती हैं बिल्डिंग्स के अंदर और घर के अंदर जो हवा जहां पे हम डेली सांस ले रहे हैं उसको कंटामिनेट करती है इसमें भी वही सब चांसेस आएंगे फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो घर के एयर की होंगी कमर्शियल फैसिलिटीज जो है वहां पे भी सेम इंडोर पोल्यूशन आपको मिलेगी अब देखिए बेसिकली बिल्डिंग्स को एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए घरों में इंप्रूवमेंट स्ट्रक्चर डिजाइन में इंप्रूवमेंट करने के लिए हमने क्या कर दिया घर को एयर टाइट कर दिया है वेंटिलेशन तभी कोई घर बनाए ना तो उसमें बोलते हैं वेंटिलेशन रखिए खिड़कियां रखिए खिड़कियों को खोलिए हाफ हवा को अंदर आने दीजिए लेकिन डिज़ाइन आजकल ऐसे आ रहे हैं बड़े बड़े ग्लासेस लगाए जा रहे हैं घर को सुंदर बनाने के लिए स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग करने के लिए तो घर को हम पूरा पैक कर देते हैं एयर टाइट कर देते हैं वेंटिलेशन जो है वेंटिलेशन क्या होती है खिड़कियों से जो हो रही है हवा अंदर की बाहर जा रही है नहीं हवा अंदर आ रही है तो हम वेंटिलेशन को रिड्यूस कर देते हैं कम कर देते हैं पोल्यूटेंट लेवल उससे हमारे घर के अंदर इंक्रीज़ हो जाते हैं और उसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस आप देख सकते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में अलग अलग फैक्टर्स हैं और आउटडोर पोल्यूशन से दस गुना ज्यादा खतरनाक है आपका इंडोर एयर पोल्यूशन ओके क्योंकि हम वहीं पर सो रहे हैं और वहां पर ज्यादा पोल्यूशन होगा तो ज़्यादा खतरनाक होगा बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं अब एयर पोल्यूटेंट्स में क्या क्या आता है योर नाइट्रस ऑक्साइड्स योर सल्फर ऑक्साइड ओजोन देखिए ओजोन का एक बहुत प्यारा सा फीचर है कि जब तक ये स्ट्रेटोस्फेयर में है तो ये बहुत अच्छी है हमको यू वी रेस से बचा रही है इट्स प्रोटेक्टिंग अस लेकिन जब ये आपको ट्रोपोस्फेयर में मिलेगी नीचे वाले लेयर्स में अर्थ के एटमोसफेयर में मिलेगी इट इज़ वेरी हार्मफुल इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्लांट की ग्रोथ को रोकती है ओजोन के बहुत सारे नुकसान हैं ह्यूमन हेल्थ पे प्लांट्स पे बिल्डिंग मटेरियल्स पे कार्बन मोनोऑक्साइड वोलाटाइल सेमी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए तो ये आपके कुछ एयर पोल्यूटेंट्स हैं जिनको इनडोर भी प्रेजेंट हमारे घरों के अंदर भी प्रेजेंट हैं इनमें से कुछ पोल्यूटेंट्स जैसे नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड ओजोन पर्टिकुलेट मैटर ये बाहर से घर के अंदर आते हैं और ये इंडोर आउटडोर दोनों प्रेजेंट हैं रेडियो एक्टिव ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इन इवन बायोलॉजिकल डेवलपिंग नेशन में जो इंडोर एयर पोल्यूशन है उसको हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन पे भी अगर आपसे सवाल आए तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग इंडोर एयर पोल्यूशन और हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन इट इज़ अ सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क अब एयर पोल्यूटेंट्स कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स हमारे घर में कौन से हैं डीजल एग्जॉस्ट से जो पार्टिकल्स हमारे घर के अंदर घुसते हैं डस्ट स्मोक, डिहाइड फर्नीचर कुकिंग स्मोकिंग से एंटर करता है फिर पेंटिंग कुकिंग स्मोकिंग से जो गैसेस, ऑर्डर्स हमारे घर के अंदर रहती हैं ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कुकिंग हो रही है हम सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं तो एक कॉमन आपके इंडोर पोल्यूटेंट्स हैं तो ये एग्जाम्पल्स अगेन आई वुड से एग्जाम्पल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सोर्सेज क्या है इंडोर पोलूटेंट्स के हमने सोर्सेज पीछे पड़े जो ये वाले थे ये एयर पोल्यूशन के जनरल सोर्सेस पढ़ रहे हैं बट देन वॉट मैटर्स टू आस कि इनडोर पोल्यूटेंट कहाँ से आ रहा है तो आप समझ गए पहला पॉइंट आप लिखेंगे आउटडोर एयर बाहर से जो हवा आ रही है उसके साथ पर्टिकुलेट मैटर पैथोजें्स क्या होते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस एंटर कर रहे हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहे हैं ठीक है बेडरूम में हम परफ्यूम यूज़ करते हैं कहीं जाना है तो चलिए परफ्यूम लगाते हैं दैट इज़ अगेन अ पॉल्यूटेंट हेयर स्प्रे लगाते हैं नेल पॉलिश लगाते हैं फर्नीचर कारपेट डस्ट माइट्स बेडशीट में जो होगी ये सब इंडोर पल्यूशन है लॉन्ड्री रूम है आपका जहाँ पे आप कपड़े धोते हैं वॉलीटाइल ऑर्गेनिक कम्पाउंड निकलते हैं वहाँ से ठीक है किचन में कुकिंग फ्यूल आइल जो तेल यूज कर रहे हैं तड़का लगा रहे हैं उसके जो फ्यूम्स निकल रहे हैं बाथरूम में अगेन यू आर यूजिंग वेरियस कोई uh, साबुन यूज कर रहे हैं आजकल फेस वाशेज एंड ऑल दैट सो मच स्टफ एयर कंडीशनिंग यूनिट्स वो भी पैथजेंस को अगर आप बोलें एसी बाहर निकाल सकता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं निकाल सकता लिविंग रूम में एनिमल हेयर डस्ट हो सकता है इफ यू हैव पेट्स एट होम टोबैको कोई सिगरेट पी रहा है आगे पीछे डीजल पार्टिकल्स पेंट फर्नीचर कारपेट तो ये सब इंडोर पल्यूटेंट्स हैं तो जितना हाइजीन घर में मेंटेन करेंगे वैक्यूम क्लीनर यूज करेंगे बेस्ट है ताकि ये चीजें आपके घर से बाहर जा सके अब इंडोर क्वालिटी जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है अगर आप देखें आउटडोर फोर्सेस तो मैंने आपको ढेर सारे बता दिए वेंटिलेशन बता दी कि बहुत इंपॉर्टेंट है घर के लिए कितने लोग एक जगह पे रह रहे एज जेंडर ऑक्यूपेंस एक्टिविटीज क्या क्या घर में हो रही है स्मोकिंग कुकिंग क्लीनिंग ओपनिंग एवरीथिंग ठीक है अब इनडोर से क्या होता है बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं बहुत से लोगों को आस्थमा होता है लंग कैंसर होता है हार्ट डिजीजेज होती हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाती हैं जो जो चीज़ें मैंने सोर्सेज आपको बताए तो इंडोर इन्वायरमेंट क्वालिटी मैटर्स इम्पैक्ट आप देखिए उसका बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ पे होगा सोर्सेज हमने डिस्कस कर लिए ठीक है रिलेटेड इनिशिएटिव से पहले मैं कल वाला क्वेश्चन जी एस थ्री का यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी सो so, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा फोटोकेमिकल स्मॉग पे सवाल था तो इट इज अ काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन ओनली अब स्मोग तो हम सबको पता है स्मोक प्लस फॉग लेकिन फोटोकेमिकल कैमिकल को हम समर स्मोग भी बोलते हैं हम इसको समर स्मोक क्यों बोलते हैं फोटो जब भी कहीं पे फोटो वर्ड यूज हो रहा है जैसे फोटोसिंथेसिस में यूज होता है यू हैव कीमोसिंथसिस ऑल्सो फोटो मीन लाइट तो यहाँ पे सनलाइट का रोल है सनलाइट का क्या रोल है कि सनलाइट यहाँ पे रिएक्ट करती है आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के साथ और आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाती है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आ गए आपके नाइट्रोसऑक्साइड्स आ गए आपके वॉलोटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए ठीक है तो समर में क्या होता है सनलाइट ज्यादा होती है सन ज्यादा आती है आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट से रिएक्ट करती हैं तो इससे क्या होता है फॉग क्रिएट होती है एक ब्राउन हेज फोटोकेमिकल्स स्मोक का कलर ब्राउन कलर का होता है ब्राउन हेज आपको दिखेगी दैट इज फोटोकेमिकल स्मोकू तो किन पॉल्यूटेंट से ये रिएक्ट करती है वो भी मैंने आपको बता दिया और सेकेंडरी पल्यूटेंट में क्या बनाती है ओजोन बनाती है पैन बनाती है पर ऑक्सी नाइट्रे पर नाइट्रेट इज पैन ये आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं तो इस क्वेश्चन में आपको फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में बताना था आपको बताना था प्राइमरी ये की हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट इन वर्ड्स को यूज करना था समर फॉग के बारे में बताना था ठीक है उसके बाद इम्पोर्टेंट uh, क्या है फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में एक मिनट टेल यू कल वाला क्वेश्चन मुझे ओपन करने दो यस दिस क्वेश्चन जो कल आया है फिर आपको बताना है कि रिसर्च क्या बोलती है ये सवाल इसलिए आया था रिसेंटली एक रिसर्च आई थी जिसमें बोलता है कि हमको अगर पार्टिकल पोल्यूशन कम करना है तो उस चक्कर में फोटो केमिकल स्मोक इंक्रीज हो रही है एक रिसर्च पेपर में ये आर्टिकल आया था तभी यह सवाल यूपीएससी ने पूछा कल तो इस तरह से आपको फोटोकेमिकल स्मोक जो है उसको एक्सप्लेन करना था फिर आपको इसके इफेक्ट्स बताने थे इफेक्ट्स तो फोटोकेमिकल स्मोक के इफेक्ट बताने के लिए आपको देखना है कि उससे बन क्या रहा है उससे ओजोन बन रहा है उससे पैन बन रहा है ओजोन के बारे में आप क्या बोलेंगे पहले आप बताइए प्लांट स्पेस का क्या असर है ये फो, फोटोसिंथेसिस को रोकता है और प्लांट ग्रोथ को रोकता है अगर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लंग्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं रेस्पिरेटरी इश्यूज क्रिएट करते हैं हार्ट डिजीजेस करते हैं आई इरिटेशन करते हैं, इफेक्ट्स में ये सब बताइए अब लोग ना कई बार यहीं पे इफेक्ट्स को छोड़ देते हैं कि प्लांट्स बता दिया ह्यूमन हेल्थ बता दिया हो गया नहीं आपको बताना है एक बार ना मैं ये इरेज uh, कर देती हूँ इंकॉन स्लाइड हम्म ठीक है तो आपको इसके साथ साथ मटेरियल्स uh, पे क्या असर पड़ रहा है ये भी बताना है तो ओजोन जो है ना ये टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है टेक्सटाइल की उसको कम करती है ये बताना है आपको ठीक है ओजोन लेयर पे साइड इफेक्ट्स नहीं बताना है एयर एटमोसफेयर के एयर पोल्यूशन के बारे में बताना है ठीक है उसके बाद आप बताइए हाँ कहाँ तक पहुंचे थे हाँ जो बुक्स होती हैं हमारी पुरानी ओजोन उसको खराब करती है ठीक है तो फिर आपने बताना कि हम इसको कैसे ठीक कैसे कर सकते हैं मिटिगेशन तो मिटिगेशन यही है कि हमको रिड्यूस करने पड़ेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस करेंगे तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स अपने आप रिड्यूस होंगे

ठीक है तो फिर बाकी आप बोल सकते हैं कि हम फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो ताकि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ना आए तो ये सब चीज़ें आपको बतानी थी इसमें इस सवाल में फिर साथ में आपसे पूछा गया था प्रोटोकॉल खैर उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे बट ये आपका एयर पोल्यूशन के साथ आ रहा था इसलिए मैंने आपको ये कनेक्ट करके बताया क्योंकि ये यूपीएससी ने रिसेंटली पूछा है <coughs> बायो हम अलग से पढ़ेंगे अलकेश अभी जो टॉपिक चल रहा है उस पर पढ़ते हैं बायो रेमिडेशन भी आएगा उसमें बट इसको हम अलग से लेंगे तो अब एयर पोल्यूशन से रिलेटेड इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने क्या लिए अगर आप ये भी मेंशन करेंगे इट्स वेरी गुड प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट स्कीम है जहाँ पे एल पी दिए जाते हैं बीपीएल हाउस को बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस को ठीक है कौन कर रहा है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और आ, मतलब स्वच्छ भारत अभियान के अंदर भी ये चल रहा है तो इससे आपका पोल्यूशन कम करने का हमारा टारगेट है जो होगा कि लोगों को हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज दे रहे हैं कि आप लकड़ी ना जला के इसको यूज कीजिए ग्राफीन वेस्ट सेंसर तो इसको क्रिएट किया गया साइंटिस्ट ने इंडोर एयर पोल्यूशन को ढूंढने के लिए कि कितना पोल्यूशन है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक मल्टी फ्यूएल स्टोव बनाया नीरधुर रेजिडेंशियल यूज के लिए नीरी ने वायु विंड अगमेंटेशन प्योरीफाइंग यूनिट बनाया है इस अलॉन्ग विद लाइट्स और एक्टिवेटेड कार्बन इसमें चारकोल रहता है जितनी भी हार्मफुल गैसेस हमारे घर के अंदर रहती हैं उस या पर्टिकुलर मैटर रहता है उसको ये रिमूव करते हैं तो रिलेटेड ये मिटिगेशन में आएगा आपका ठीक है कि क्या क्या हम कर सकते हैं या हमने क्या क्या किया है तो मिटिगेशन में आप ये चीज़ें बता सकते हैं डोंट कन्फ्यूज द ओजोन ऑफ द स्ट्रेटोसफेयर जो हमको यू वी रेस से बचाती है एंड द ओजोन विच इज प्रोड्यूज इन द लोअर एटमोसफेयर सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओजोन एज पल्यूटेंट तो कन्फ्यूज मत होन होल वो सब हम बाद में पढ़ेंगे देर इज अ डिफरेंस ओके अब आ, ओके ये क्या है लार्जेस्ट डायरेक्ट इंटरवेंशन इनिशिएटिव फॉर वुमेन ऑफ रूरल अर्बन हाउस होल्ड्स उज्ज्वला योजना यो जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे एल पी जी कनेक्शन दे रही है बहुत सारे वुमेन को हाउस होल्ड्स को कनेक्ट किया गया है हम क्लीन फ्यूल की तरफ इनिशिएटिव ले रहे हैं हेल्थ हाजिर से रुकेंगे ठीक है और वुमेन भी जो उनको घर छोड़ के वुड कलेक्ट करने जाना पड़ता था उन चीज़ों से उनका पीछा भी छूटेगा और स्मोक फ्री हाउस रहेगा तो ये उज्ज्वला योजना के कुछ बेनिफिट्स हैं देर इज़ वन मोर उन्नत चूल्हा अभियान इसको 2014 में ये लोग लेके आए थे गवर्नमेंट ने लाया था बायोमास कुक स्टोव को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूवड बायोमास कुक स्टोव के लिए देश में इसमें इसका पर्पज़ भी क्लीन कुकिंग एनर्जी सोल्यूशन था कि लोग जो वुड जला के एनर्जी यूज करते हैं वो कम करें उससे बहुत ज़्यादा कार्बन जाता है बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं फिर यू हैव नेशनल बायोगैस एंड मेन्यर मैनेजमेंट प्रोग्राम ये भी फैमिली टाइप हाउस होल्ड बायोगैस प्लांट्स जो हैं वो लगाए गए थे कुकिंग नीड्स को पूरा करने के लिए रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में अगेन फायरवुड से लोगों का पीछा छुड़ाने के लिए क्योंकि वो ज्यादा पोल्यूशन करता है ठीक है तो एटमोस्फेरिक पोल्यूशन प्रोपोस्फेरिक प्रोपोस्फेयर एटमोस्फेयर का लोवेस्ट रीजन है जो सबसे नीचे आता है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स और बाकी ऑर्गेनिजम्स आपके रहते हैं उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं अराउंड टेन किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल ये एक्सटेंड करता है इसकी हाइट और ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन जो है वो जो हो रही है सॉलिड गैसियस पार्टिकल्स की वजह से एयर में तो मेजरली हमारा फोकस इसी पे रहता है और गैसियस पोल्यूटेंट्स का एग्जाम्पल आपको आना चाहिए ऑक्साइड्स सल्वर ऑक्साइड्स हो गए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोकार्बन ओजोन अदर ऑक्सीडेंट्स तो अगेन आई एम टेलिंग यू दिस ओजोन हम ट्रोपोस्फेयर के ओजोन की बात कर रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर के ओजोन की बात नहीं कर रहे दैट इज यूजफुल फॉर अस क्योंकि वो हमको यूविय रेस से बचाता है बट वी आर टॉकिंग अबाउट एटमोस्फेरिक पोल्यूशन एयर पोल्यूशन जो ट्रोपोस्फेयर की वजह से है ट्रोपोस्फेयर में कंटेमिनेशन की वजह से है ओके okay? सो लुक एट दिस नाउ द स्टेट ऑफ वर्ल्ड एयर पॉपुलेशन वेटेड ये पर्टिकुलर मैटर टू पॉइंट फाइव हाइस्ट पॉपुलर स्टेट यहाँ पे देखिए वर्ल्ड वर्स्ट एनुअल एक्सपोजर लेवल्स कहाँ पे रहे हैं पर्टिकुलेट मैटर के डेली सबसे ज़्यादा कोलकाता हमारी दो सिटीज़ हैं कानो नाइजीरिया लिमा तो ये सब आप थोड़ा सा आप इंडिया के बारे में ही बता देंगे कि हमारे देश एनुअल एक्सपोजर लेवल सबसे ज़्यादा रहा है फिर एक और ये आ, मैंने किसी न्यूज़पेपर से कटिंग ली है कि दिल्ली टॉप कर रहा है ग्लोबल कैपिटल पोल्यूशन चार्ट अगेन तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली का वैसे ही बुरा हाल रहता है एयर पोल्यूशन के मामले में यू शुड मेंशन इट पी एम टू कॉन्सेंट्रेशन इसकी एट्टी फाइव के आसपास रहती है और इंडिया इनफैक्ट टॉप फाइव पोल्यूटेड कंट्रीज़ जो हैं ट्वेंटी के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया उनमें भी आता है ठीक है तो so ये कुछ डेटा है जो आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं दिल्ली एयर पोल्यूशन मोस्ट पोल्यूटेड सिटी वर्ल्ड में दिल्ली है आपकी एट्टी थाउजेंड ट्रक्सा दस हजार लोग से ज्यादा लोगों की डेथ हर साल पोल्यूशन की वजह से होती है दिल्ली में लेयर ऑफ टॉक्सिक पर्टिकुलर स्मोक एक परमानेंट लेयर ही बन चुकी है दिल्ली में सिक्सटी एक्सेप्टेबल पी एम टेन लेवल वहां पे है तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली का कितना बुरा हाल है सोल्यूशन क्या है इसका रिड्यूज रियूज साइकिल गो ग्रीन नाव यही चीज है कि गो ग्रीन का मतलब है रिनीबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जितने भी सोर्सेज हैं अगर आपको पता है कि एयर पल्यूटेंट कौन कौन से हैं उन पोल्यूटेंट्स को हमें कैसे कम करना है वही उसका मिटिगेशन है रिसेंट बैच हमारा ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेम्बर को शुरू हो रहा है दो साल आ, का ये बैच है मिशन टू ईयर बैच कोर्स बाइलिंग बैच है तो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं खुद को एनरोल कर सकते हैं इसमें अगेन रिमेंबर माई कोड वीरो यू इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल गेट माई पर्सनल गाइडेंस इस संडे को जी एस कॉम्बैट है इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए मेरा कोड यूज करके ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए बिकॉज जितने मॉक्स देंगे वो आपकी प्रॉबिलिटी प्रिलिम्स क्लियर करने की इम्प्रूव होगी क्योंकि इसमें देखिए स्कॉलरशिप्स भी आपको मिल रही हैं बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है तो डू कंसीडर इट और मेंस टेस्ट सीरीज 2023 की यहाँ पे भी आप ख़ुद को एनरोल कर सकते हैं हाउ टू सब्सक्राइब देख लीजिए और अगेन यू कैन यूज़ दिस कोड नाउ हम कॉजेज़ एयर पोल्यूशन के ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक बार उसको समराइज़ करेंगे तब तक आपका कोई सवाल है पूछिए दो घुट पानी पी लूँ मेरा गला फिर से ख़राब हो गया तो मुझे क्लास में ब्रेक लेनी पड़ जाती है फिर मुझे लगता है सब टीचर्स के साथ ऐसा होता है ऑनलाइन वाले स्पेशली या इनफैक्ट कोई भी टीचर्स जो एक एक दो दो घंटे की क्लास लेते हैं कुछ समय के बाद हमारे गले के साथ ना प्रॉब्लम होने लग जाती है मैंने बहुत सारे कलीग्स के साथ ये प्रॉब्लम देखी है आप एन एरिया में ही हैं चलिए आई थिंक आई हैव फिनिश्ड माई वाटर तो ठीक है कॉजेज एयर पोल्यूशन के क्या हैं आप यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हैं जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिए तो दीज आर द क्रिस्प एंड क्लियर पॉइंट्स फॉर यू फॉसिल फ्यूल्स बर्न करना क्योंकि उससे गैसेस रिलीज हो रही हैं केमिकल्स एयर में जा रहा है एयर पोल्यूशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन इंक्रीज हो रही है तो एयर पोल्यूशन से अल्टीमेटली क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है क्योंकि एयर पोल्यूशन से आपके ग्रीन हाउस गैसेज एटमोसफेयर में इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको इस तरह से पॉइंट्स लिंक करने भी आने चाहिए बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एयर पोल्यूशन कर रही है मिथेन एयर पोल्यूशन कर रही है और इससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्यों क्योंकि ये दोनों ग्रीन हाउस गैसेज है ओके स्मॉग ऑलरेडी सवाल आ चुका है फोटोकेमिकल स्मॉग इस पे स्मॉग इज योर ग्राउंड लेवल ओजोन क्योंकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है इसमें ओजोन अब वो मैंने आपको समझा दिया कैसे क्योंकि सनलाइट से आपका नाइट्रोसऑक्साइड्स वीओसिस रिएक्ट करते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट जैसे ओजोन और पैन क्लियर स्मोक से आईज इरिटेशन थ्रोट लंग्स डैमेज होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट पॉइंट सूट सूट या जिसको पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं टाइनी पार्टिकल्स हैं केमिकल सॉइल जो गोथनबर्ग प्रोटोकॉल पूछा था ना वो बेसिकली एक मल्टी इफेक्ट प्रोटोकॉल भी है मल्टी पोल्यूटेंट कंट्रोल करने के लिए तो यहाँ पे यूट्रोफिकेशन एसिडिफिकेशन और जो स्मॉग है और तीसरा ग्राउंड लेवल ओजोन है ठीक है तो गौतम गौथम में मल्टी पल्यूटेंट या मल्टी इफेक्ट प्रोटोकॉल भी उसको बोलते हैं क्योंकि वो बनाया गया है एसिडिफिकेशन यानी आपकी जो ओशन एसिडिफिकेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए उसके साथ साथ यूट्रोफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए और ग्राउंड लेवल ओजोन को कंट्रोल करने के लिए और बाद में क्या हुआ था 2012 में इसमें एक अमेंडमेंट की गई थी उसमें पर्टिकुलेट मैटर और ब्लैक कार्बन को भी इसमें ऐड किया गया था ठीक और ठीक है तो पर्टिकुलेट मैटर टाइनी पार्टिकल्स हैं जो केमिकल्स के सॉइल के स्मोक के किसी के भी हो सकते हैं और हवा में रहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं आपके हजारे पोल्यूटेंट्स हैं जो गैस और कोल कम्बसशन से निकल रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड सारे ऑक्साइड्स मैंने आपको बताए ओके समबडी इज आस्किंग समिंग यस yes, हर अगर जो भी ओजोन एन्वायरमेंट में ट्रोपोस्फेयर लेवल में इंक्रीज हो रही है किसी भी प्रोसेस में दैट इज पल्यूशन ओनली सल्फर डाइऑक्साइड बर्निंग जब अगर हम उस ओजोन को एटमॉस्फेयर में रिलीज होने दे रहे हैं हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है कि उसको हम रोकें या कहीं और यूज करें इट इज पॉल्यूशन सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस uh, होती है बर्निंग कोल जो थर्मल पावर प्लांट्स में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड mon और क्लोरो्लोरोबन्स ये सब कॉजेज़ हैं क्लोरो्लोरोबन आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम से रेफ्रिजरेशन से निकलते हैं सो दीज आर द कॉजेज़ फॉर एयर पोल्यूशन सो so, ये चीज़ मैं ऑलरेडी अब आपको बता चुकी हूँ इसको हम एक बार स्लाइड में देखेंगे क्योंकि अभी तक डिस्कशन में मैंने आपको बताया ही है क्लासिफिकेशन ऑफ पल्यूटेंट्स तो पल्यूटें को क्लासिफाई आप दो तरीके से करते हैं प्राइमरी पल्यूटेंट्स रहते हैं यू हैव सेकेंडरी पल्यूटेंट्स प्राइमरी पल्यूटेंट्स होते हैं जो परसिस्टेंट हैं इन्वायरमेंट में ऐड हो चुके हैं जैसे कि डी प्लास्टिक कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड नाइट्रस नाइट्रोजन के ऑक्साइड सल्फर के ऑक्साइड्स ठीक सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट किसी और चीज़ से इंटरैक्ट करके बनाते हैं जैसे प्राइमरी uh, जो पोल्यूटेंट्स हैं जब सनलाइट से इंटरक्ट करते हैं तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जब प्राइमरी पल्यूटेंट्स इंटरैक्ट करते हैं आपस में तो सेकेंडरी पल्यूटेंट्स बनाते हैं जैसे कि पैन पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट इन दोनों की एग्जाम्पल्स आपको आनी चाहिए पैन नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के बीच में जब इंटरेक्शन होता है ये दोनों प्राइमरी पल्यूटेंट हैं तो ये सेकेंडरी पल्यूटेंट बनाते हैं फिर सेकेंडरी पल्यूटेंट का दूसरा एग्जाम्पल ओजोन तो दोनों के आपको एग्जाम्पल्स प्राइमरी पोल्यूटेंट के सेकेंडरी पोल्यूटेंट के आना चाहिए ठीक है uh, और ये वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये भी आपका एग्जाम्पल है तो देखिए विच इज फॉर्म विन हाइड्रोकार्बनस और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कंबाइन विद प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो फोटोकेमिकल स्मोक का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं यहाँ पे इससे एसिड रेन भी होती है तो क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स ये आपको क्लियर है ना अच्छे से प्राइमरी सेकेंडरी और कैसे क्या बनता है और इन दोनों के एग्जाम्पल्स आपको आनी चाहिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अब पिरामिड इफ़ेक्ट एयर पोल्यूशन से क्या है अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट है कि कितना कितना इम्पैक्ट इंक्रीज हो रहा है और कितना इम्पैक्ट सीवियर है तो देखिए पहले लंग इन्फेक्शन हो रही है किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं फिर धीरे धीरे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उसकी इंक्रीज़ होने लग जाएंगी क्या लिख रहे हैं आप लोग चलिए आई आंसर लेटर कुछ ऐसा नहीं yes, they emit ozone in environment, है यस दे ओ ओजोन इन एनवायरमेंट संजय ठीक है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो आने लग जाएंगी फिर स्कूल एबसेंस लॉस्ट वर्क ई आर विजिट्स एंड देन यू नो डेथ ये बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ लोगों की डेथ पिरामिड इफेक्ट है ये अब बच्चे बहुत वालनरेबल हैं क्योंकि बच्चों का ब्रीदिंग प्रोसेस तेज है एडल्ट से ज़्यादा जल्दी ब्रीद करते हैं ज्यादा जल्दी ब्रीद करेंगे उतना ज़्यादा पोल्यूटेंट अपने अंदर लेके जाएंगे इनफैक्ट फीटस जब बच्चा माँ की कोख में है उसको भी एयर पोल्यूशन से बहुत खतरा रहता है प्री टर्म बर्थ हो सकता है यानी टाइम से पहले बर्थ हो सकता है उसका लंग या कोई हो ऑर्गन हो सकता है अंडर डेवलप हो इनफैक्ट मोर्टलिटी यस वी ओ सी प्राइमरी है सभी सफर यस वी ओ सीज आर प्राइमरी फिर से दिखा दो ठीक है यहाँ पे सेकेंडरी पोल्यूटेंट कब बनते हैं विच इज फॉर्म व्हेन हाइड्रोकार्बन और वीओसी ये दोनों प्राइमरी हैं हाइड्रोकार्बन और वोलाटाइल और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्राइमरी है ये कंबाइन करता है तो ठीक है तो अच्छा ये कहाँ पहुँच गए हाँ तो फीटस पे भी नुकसान होता है उनका हो सकता है कोई ऑर्गन ही डेवलप ना हो इन्फैंट मोर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है देखिए मैं एक पॉइंट जल्दी जल जल्दी बता रही हूँ ये बहुत एक्सप्लेन करने वाले पॉइंट नहीं है मेमोराइज करने वाले पॉइंट इनको बुलेट पॉइंट्स में लिख लीजिए ये हेडिंग दे सकते हैं फीटसिस को क्या नुकसान है इन्फेंट्स को क्या नुकसान है आई लंग्स स्किन एलर्जीज इन्फेक्शन हो जाती हैं खांसी निमोनिया हो सकता है लॉन्ग टर्म कॉगनेटिव एम्पेयरमेंट हो सकती है टीन्स और टी जो प्री टीन्स हैं या टीन्स हैं उनको भी खांसी क्रोनिक लग सकती है आसमा कार्डियोवेस्क्यूलर डिजीजेस कैंसर तो जो बच्चे पाँच साल की उम्र से नीचे हैं नाइनटी नाइन परसेंट वो डेंजरस लेवल उनको पी पर्टिकुलर मैटर टू से एक्सपोज हैं और इससे उनकी हेल्थ पे असर पड़ता है तो so यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं एयर पोल्यूशन काफ़ी ज्यादा एयर पोल्यूशन में हमने मैंने आपको यही बताया कॉजेस इफेक्ट्स मिट्टीगेशन गवर्नमेंट स्कीम्स इंडोर पोल्यूशन फोटोकेमिकल स्मॉग ठीक है ये सब हमने इसमें डिस्कस किया एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा हमने ये भी डिस्कस किया प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है अब हम चलते हैं वाटर पोल्यूशन की तरफ अब आई थिंक एयर पोल्यूशन भी आपसे कुछ भी कुछ भी आएगा उसके आगे पीछे आप लिख लेंगे वाटर पोल्यूशन में सेम चीज वही वैसे ही एक्सप्लेन करना है कंटामिनेशन हो रही है पानी की ये पानी कहाँ कहाँ है चाहे वो लेक्स में है रिवर्स में है स्ट्रीम्स में है ओशन्स में है ग्राउंड वाटर में है क्योंकि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हम मैंशन करना भूल जाते हैं सो दैट इज वाटर पोल्यूशन क्योंकि वहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं उसमें पोल्यूटेंट्स आके मिक्स हो रहे हैं चाहे डायरेक्टली आ रहे हैं चाहे इनडायरेक्टली आ रहे हैं वाटर सिस्टम में दैट इज वाटर पोल्यूशन कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंज प्रीटर्म संजय प्रीटर्म बर्थ होता है जब समय से पहले किसी बच्चे का जन्म होता है जैसे नाइन मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड है ह्यूमंस का तो हो सकता है कोई बच्चा सेवन्थ मंथ सेवन मंथ में ही बॉर्न हो जाए एट्थ मंथ में बॉर्न हो जाए दैट इज़ अ प्रीटर्म बर्थ प्रीटर्म बेबी बोलते हैं उसको ठीक है कि टर्म से पहले टर्म आपकी पूरी नाइन मंथ्स की होती है ओके okay? चलिए कोई भी मॉडिफिकेशन चेंज केमिकल फिजिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में पानी की पानी की प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं है, उनमें कुछ भी चेंज आता है जिसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस होता है लिविंग थिंग्स पे ह्यूमन बींग्स पे उसको हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं देखिए पोल्यूटेड वाटर सिर्फ ह्यूमन बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए तो खतरनाक है लेकिन पूरा इक्वाटिक इकोसिस्टम जो है उसके लिए खतरनाक है क्योंकि ये ग्राउंड वाटर में भी पहुंच जाता है और अल्टीमेटली वो ग्राउंड वाटर हाउस होल्ड तक पहुंचेगा हमारे घरों तक पहुंचेगा वही पानी हम पियेंगे डेली एक्टिविटीज़ में हम पानी को यूज़ कर रहे हैं तो कितना घातक हो सकता है ये यूनाइटेड नेशंस के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग फोर बच्चे हैं जो हर साल सॉरी एवरी डे फोर ग्लोबली बच्चे हैं चार बच्चे मरते हैं हर दिन गंदा पानी पीने की वजह से चार हजार बच्चे हर दिन मर रहे हैं कैन यू बीट दैट क्योंकि ये वो जाने हैं जो हम बचा सकते हैं काफी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती बट ये वो चीजें हैं जो हमारे हाथ में हैं और इस तरह का डेटा कोट करो यूपीएससी यही मानता है वाटर पोल्यूशन आप सब लिख लेंगे मैं आपको नहीं भी बताती ना कि भाई कंटामिनेशन हो रही है यू नो इट यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया लेकिन एक्स्ट्रा बताया ये जो पेपर में लिखना है ओके okay? <coughs> चलिए अब वाटर पोल्यूशन का सोर्स क्या है वाटर पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है तो ये पॉइंट्स जो बोल्ड में लिखे हैं इनको लिख लीजिए पढ़ते पढ़ते साथ में आगे आप एक्सप्लेन कर लेंगे मुझे पूरा भरोसा है लेकिन ये पॉइंट्स आपको याद नहीं आएंगे जितने ज्यादा पॉइंट्स लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड की एग्जाम्पल आनी चाहिए लाइक डी डी टी एग्रीकल्चर में यूज़ होगा कंटेमिनेट करेगा बॉडी वाटर बॉडीज को एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर पेस्टिसाइड लेंगे फिर आपका वो पेस्टिसाइड जो है फ़ूड चेन में एंटर करेगा ये चीज़ समझ रहे हैं ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाई थी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड एकोलॉजी में तो देखिए टॉपिक्स आपके लिंक होते हैं और वहाँ पे मैंने डिटेल में ये समझाया है अब उतना डिटेल यहाँ पे समझाने लगूंगी तो 20 मिनट और चले जाएंगे सो जस्ट यू शुड नो कि कैसे क्या हो रहा है पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में वो वहाँ से पानी में जा रहा है वो डी जब रन ऑफ हो रहा है या ग्राउंड वाटर में सीपिन कर रहा है फूड चेन में एंटर कर रहा है यहाँ पे अगर हम एक्वाटिक फूड चेन की बात करें तो फिर धीरे धीरे हायर ट्रॉफिक लेवल पे भी पहुंच जाएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा तो बायो मैग्निफिकेशन बायो दोनों होगा वाटर पोल्यूशन के साथ साथ फिर इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स मेटल्स हैं जैसे ओके यस हर्षित राइट ओके इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स क्या हैं जैसे मेटल्स लेड हो गया जिंक हो गया अर्जेनिक हो गया कॉपर मर्क्यूरी कैडमियम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एडवर्सली इफेक्ट्स ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स ठीक है तो ये सब भी पानी में मिलेगा मर्क्यूरी से क्या होता है मिनी माता डिजीज होती है तो ये सवाल मिनी माता पे ही कई बार आ जाता है तो पता होना चाहिए किस मेटल से होता है लेड की वजह से डिस्प्लेक्सिया कैडमियम की वजह से पॉइजनस बीमारियां आपकी होती हैं डोमेस्टिक सीवेज जो है टाउन सिटीज़ में ऑर्गेनिक पोल्यूशन करेगा यूट्रोफिकेशन होगी यूट्रोफिकेशन को हम अलग से भी पढ़ेंगे क्योंकि इसमें नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स एक्स्ट्रा क्वांटिटी में पानी में चले जाएंगे एल्गल ब्लूम होगा तो बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी तो आपको इक्वाटिक इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा बहुत बार ओशंस में आप ऑयल स्पिल्स देखते हैं ऑयल स्पिल्स में क्या होता है ऑयल लीक हो जाता है शिप से टैंक से मुंबई ऑयल स्पिल 2010 की एग्जांपल दे सकते हैं फिर सनलाइट नहीं जाती है वाटर में नीचे तक क्योंकि एक्वाटिक इकोसिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि कुछ मीटर तक ही सनलाइट नीचे तक जा सकती है पानी के क्योंकि दैट इज़ नॉट अ ट्रांसपेरेंट जोन जोन और ए जोन के बारे में बताया था आपको वहाँ पे ठीक है तो ये ऑफ वाटर पोल्यूशन आप लिख सकते हैं और पुराने लेक्चर्स देख लेना एवरीथिंग इज लिंक्ड तो ये कॉजेज है बिना मिट्टी के खेती ये सब अलग टॉपिक है राइट संजय इनको हम अलग टाइम पे पढ़ेंगे मिक्स नहीं करते टॉपिक्स को <coughs> हाइड्रोपोनिक्स हो सकता है बहुत सी चीजें हैं ओके सो नेक्स्ट थिंग इज कि ये कैटास्ट्रॉफी इन्वामेंटल डैमेज की बात की है ऑयल स्पिल्स यहाँ पे दिखा रखे हैं कि किस तरह से कई बार शिप्स के एक्सीडेंट हो जाते हैं सारा मटेरियल पानी में चला जाता है तो बहुत सारे डिजास्टर्स होते हैं वाटर पोल्यूशन में ही आपका ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी आता है जहाँ पे टॉक्सिक एलिमेंट्स इंडस्ट्री के लैंडफिल के डिफ्यूज़ हो जाते हैं जिसमें आपके फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स भी होते हैं और कंटेमिनेट करते हैं ग्राउंड लेवल वाटर को अब द लेवल ऑफ नाइट्रेट्स देखिए हर एक एलिमेंट की ग्राउंड वाटर में एक लिमिट दी गई है ठीक है कि कितना होगा तो इट्स सेफ टू ड्रिंक बट जब वो परमिसेबल लिमिट इंक्रीज हो जाती है तो वो पल्यूटेड हो जाता है और बहुत सारे फिफ्टी परसेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में ये चीज़ देखी गई है और अफ्रीका भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अफ्रीका के पानी में इतने सारे मेटल्स पाए जाते हैं कि विदाउट प्योरीफिकेशन वहाँ पर आप ग्राउंड वाटर पी ही नहीं सकते वहाँ पे खाने से भी ज़्यादा पानी महंगा हो चुका है अफ्रीका की बात कर रही हूँ इंडिया में भी ग्राउंड वाटर बहुत जगह थ्रेटेड है कंटामिनेटेड है बिकॉज इंडस्ट्रियल और म्यूनसिपल वेस्ट जो है वहाँ पे पानी में एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं एग्रीकल्चर रन ऑफ हो रहा है अब पोल्यूटेंट्स जैसे फ्लोराइड्स यूरेनियम हैवी मेटल्स नाइट्रेट फॉस्फेट्स ये बहुत कॉमन है इंडिया में ये बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर पोल्यूशन करते हैं ये जो लास्ट पॉइंट है इसको याद रखिए सॉरी <coughs> ओके <Sorry. Okay. coughs> तो ये लास्ट पॉइंट जो है कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं इनको लिख लीजिए जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं अब इन पोल्यूटेंट्स को एक एक करके भी आप देख सकते हैं फ्लोराइड हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्लोराइड का ग्राउंड वाटर में होगा परमिसेबल लिमिट के ऊपर 1.5 पॉइंट पर लीटर इससे ऊपर तो वो क्या कॉज करेगा अगर वो पानी कोई पिएगा जिसमें फ्लोराइड होगा उसको न्यूरो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं यानी कि शायद वॉलेंट्री मूवमेंट ही नहीं ना रहे आपके हाथ की कोई भी दिक्कत हो सकती है कैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं छोटे बच्चे हैं उनमें टीथ डिफोफॉर्मिटी हो सकती है टीथ डिफॉर्मिटी मतलब टेढ़े मेढे दांत आ रहे हैं बोन्स हार्ड हो सकती हैं स्केल्टल फ्लोरोसिस हो सकता है ये फ्लोराइड अगर ज़्यादा होगा पानी में आयरन ज्यादा होगा इसका पर लिमिट इज लेस देन वन पॉइंट जीरो एम जी पर लीटर ग्राउंड वाटर में तो ये हमारे देश में बहुत ज्यादा देखा गया है स्पेशली असम और वेस्ट बंगाल में आयरन बहुत है पानी में देन यू हैव यस yes, मेरी स्लाइड की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगी यूरेनियम तभी मैंने आपको कहा किताबें जो है ना जितनी भी इकोलॉजी की के बहुत कुछ लिया हुआ है जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है मेरे इस कंपाइलेशन में यू विल गेट वॉट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम ये बैठ के बहुत टाइम लगता है इसको बनाने के लिए रेलिवेंट मटेरियल इकट्ठा करने के लिए तो इसको पढ़ना मैं पीडीएफ दे दूंगी आपको यूरेनियम ये भी यूरेनियम से क्या होता है आपकी किडनी डिजीज होते हैं आर्जेनिक वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा पाया गया है इससे डायरिया लंग स्किन कैंसर होता है और नाइट्रेट्स जो हैं ग्राउंड वाटर में अगर मिलेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यूट्रोफिकेशन नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की वजह से ही होती है ओके अभी तो मैं एक एक लेक्चर भी आपको देती रहूंगी जब हमारा ये वाला जो सीरीज है पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको एक कंपाइलेशन अपने पूरे लेक्चर जो ट्वेंटी लेक्चर्स की कंपाइलेशन भी दे दूंगी आई डू दिस फॉर यू ठीक है लेकिन आप लेक्चर भी देखना पीडीएफ पे सिर्फ मत डिपेंड करना जैसे आज मैंने फोटोकेमिकल स्मॉक को डिस्कस किया वो यहाँ पे नहीं लिखा तो लॉट ऑफ टाइम आई डिस्कस टफ जो आपको पी में नहीं मिलता है तो तभी मैं रनिंग नोट्स बोलती हूँ कि रनिंग नोट्स को जरूर पढ़िए ठीक है टेलीग्राम ग्रुप आपको नहीं मिला ओके अच्छा एक काम करती हूँ मी आ... यहाँ पे ना जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा आई विल पिन माई टेलीग्राम चैनल या यहाँ पे कमेंट में लिख दूंगी आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है देखें सब लेक्चर्स तो गुड है सरफेस वाटर पोल्यूशन सो वी रेड अबाउट ग्राउंड वाटर पोल्यूशन सरफेस वाटर पोल्यूशन क्या है सरफेस वाटर कंटामिनेशन भी एक मेजर uh, प्रॉब्लम है लार्ज स्केल पे हो रही है इससे लोग ह्यूमन बींग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जो वाटर लेक्स या रिवर्स का है म्यूनसिपैलिटीज जिसको यूज़ करती हैं एग्रीकल्चर में जो यूज़ करती हैं वो ज़्यादा पोल्यूटेड है इसमें यूजली आपका फर्टिलाइजर्स जो पानी में चले जाते हैं उनका एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं ठीक है सरफेस वाटर पोल्यूशन में <coughs> ये देखिए नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन पोल्यूटेंट पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन तो नॉन पॉइंट में फार्म्स लॉन्स गोल्फ कोर्सेज से पानी सारा कहाँ जा रहा है बड़ी किसी नदी में जा रहा है जितनी रेजिडेंशियल घर वर हैं उनका गंदगी कहाँ जा रही है पानी में जा रही है कंस्ट्रक्शन साइट से जितना मटीरियल है कहाँ जा रहा है पानी में जा रहा है एबंडेंट माइन्स जो है पानी में जा रही हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स फैक्ट्रीज एनिमल फीड लॉट्स तो फर्टिलाइजर हर्बिसाइड पेस्टिसाइड कहाँ गए तब पानी में गए वेस्ट न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया कहाँ गए पानी में गए सॉल्ट विंटर रोड पे ग्रीस केमिकल्स पानी में गए इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी में गया इरोड होके आया पानी में गया ऑयल स्पिल हो रहे हैं पानी में हो रहे हैं एसिड ड्रेनेज हो रही है पानी में हो रही है सो दिस दिस पर्टिकुलर पिक्चर विल शो यू हाउ वाटर पोल्यूशन इज हैपनिंग येस आई एम टेकिंग स्टीम गायट हेल्पिंग मी फ्लोरोसिस बीमारी है Uh, एक डिसऑर्डर आप कह सकते हैं जब पानी में ज़्यादा फ्लोराइड होगा आपकी बॉडी के अंदर जाएगा फ्लोरोसिस हो सकता है फ्लोरोसिस फ्लोराइड की वजह से हो रहा है इस मेटल की वजह से हो रहा है और इससे आपको न्यूरोमस्क्यूलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और भी प्रॉब्लम्स लिखी थी फ्लोरोसिस की वजह से गैस्ट्रो इंटस्टानियल प्रॉब्लम यानी स्टमक इश्यूज भी हो सकते हैं टीथ डिफॉर्मिटी हो सकती है और स्केल्टन फ्लोरोसिस हो सकता है आपके स्केल्टन सिस्टम आपकी बोन्स में हार्डनिंग हो सकती है ठीक है और यहाँ परमिसेबल लिमिट भी दिया है फ्लोराइड का 1.5 पॉइंट पर लीटर से ज़्यादा इससे ज़्यादा अगर मिलेगा इतना पानी में होगा तो चलेगा बट इससे ज़्यादा होगा तो वो नहीं चलेगा सो uh, so, ये स्क्रीन आप ले सकते हैं इंडिया इज ऑलरेडी हमारे जो रिवर्स हैं वो डिस्ट्रेस में हैं थर्टी परसेंट साइड्स हमारे इंडिया में पोल्यूटेड वाटर है तो यहाँ पे पूरे दिखा रखी है सो so ये आप पी में ही देख लेना है अब वाटर पोल्यूशन में ही आपने ग्राउंड वाटर पोल्यूशन पढ़ा सरफेस वाटर पोल्यूशन पढ़ा यू कैन मैंशन मरीन वाटर पोल्यूशन ऑल्सो तो इन पॉइंट को मिस मत करना आंसर राइटिंग में वाटर पोल्यूशन में सिर्फ वाटर के बारे में मत लिख के आना जनरल उसको डिवाइड करना आपको मार्क्स मेन्स आंसर राइटिंग में आंसर के स्ट्रक्चर पर मिलते हैं कि कितने पॉइंट ऐड कर रहे हो उसको डिवाइड करो कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है सरफेस वाटर पोल्यूशन है मरीन वाटर पोल्यूशन है ठीक है इस तरीके से डिवाइड करना मरयन पोल्यूशन में क्या है यू रिपोर्ट और किसी भी रिपोर्ट को मैंशन कर सकते हो तो आपको मेन्स क्लियर करने से इंटरव्यू में पहुंची जाओगे यू रिपोर्ट टू इंडिया ने पॉइंट ऑफ प्लास्टिक वेट ओशंस में डाल दिया इसमें मैंने अलग से वीडियोस भी बनाई थी नर्डल्स प्लास्टिक नर्डल्स क्या हैं प्लास्टिक पोल्यूशन ओशन में क्या कर रही है नैनो प्लास्टिक वाटर को कैसे खराब कर रहा है ओशनिक वाटर को तो ठीक है तो इस रिपोर्ट को मेंशन कीजिए इंडिया का रैंक ट्वेल्थ ऑफ ट्वेंटी कंट्रीज जो मरीन पोल्यूशन कर रही हैं के अकॉर्डिंग इंडिया ट्वेल्थ मोस्ट कंट्री है जो सबसे ज्यादा मरीन पोल्यूशन कर रही है, so, है, कर रही है। <coughs> रिचा आई विल टेक प्रिलिम्स का स्ट्राटेजी इस महीने नहीं अक्टूबर में करते हैं ठीक है थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे ये वाली क्लासेस कंप्लीट करके सीवरेज गार्बेज कोस्टल सिटीज में सब कहाँ डंप किया जाता है पूरा घर की गंदगी जो कोस्टल सिटीज हैं जाओ समुद्र में फेंक दो तो। और ओशनिक पोल्यूशन कैसे हो रही है ऑयल स्पिल्स ग्रीस डिटर्जेंट सीवेज गार्बेज रेडियो एक्टिव वेस्ट ऑफ श्योर ऑयल माइनिंग ऑयल स्पिल्स तो मरीन पोल्यूशन को जरूर लिखिए मरीन पोल्यूशन में आपका प्लास्टिक पोल्यूशन भी हो रहा है ठीक है ओशन पोल्यूशन में क्या क्या पॉइंट्स लिख देंगे आप फिर अलग अलग पॉइंट्स लिखना प्लास्टिक वेस्ट ऑयल स्पिल्स केमिकल्स न्यूट्रिय न्यूट्रिय भी जाएंगे आपके मॉक्यूरी भी जाएगा पेस्टिसाइड भी जाएंगे जो बाकी जब वो पॉइंट्स लिख रहे हैं यहाँ पे आप मेंशन वो भी कर सकते थे केमिकल न्यूट्रिएंट्स पेस्टिसाइड्स वगैरह बाकी के वाटर पोल्यूशन में भी यूज़ कर सकते हैं सरफेस और ग्राउंड वाटर में भी लेकिन प्लास्टिक और ऑयल को यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर देना अगर ओशन पोल्यूशन पे सवाल आता है तो अब वाटर पोल्यूशन के लिए इंडिया क्या कर रहा है हमने वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट नाइनटीन लाया इसकी वजह से हमारे पोल्यूशन कंट्रोल्स बोर्ड्स बने सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी इस एक्ट की वजह से और उनके पास ये पावर्स हैं वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए कंट्रोल करने के लिए और गवर्नमेंट्स को एडवाइज करने के लिए कि आप कैसे पोल्यूशन को बचा सकते हैं ठीक है देन यू हैव नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान ये नाइनटीन में लाया गंगा एक्शन प्लान नमामि गंगा जो बाद में चेंज करके उसका नाम किया गया ऑब्जेक्टिव यही था कि पोल्यूशन लोड रिवर्स में कम करना है ठीक है वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है देन यू हैव नेशनल वाटर मोनिटरिंग प्रोग्राम देखिए ये साथ साथ स्कीम्स में आपको क्यों बता रही हूँ देखिए यूपीएससी ने इस बार एक सवाल पूछा कि रीन्यूएबल एनर्जी पे अगर हमें शिफ्ट करना है तो रीन्यूबल एनर्जी पे हमको सब्सिडी देनी होगी ठीक है तो वहाँ पे आपको स्कीम्स बतानी है कि इंडिया ने क्या क्या किया है कौन कौन सी स्कीम्स लाई हैं तो इस तरह से अगर वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया क्या पॉलिसी मेजर्स लिए तो आपको मालूम होना चाहिए ये दो हमने डिस्कस किए देन यू हैव नेशनल वाटर मॉनिटरिंग प्रोग्राम सी के अंदर वाटर क्वालिटी को रोकने के लिए क्वालिटी uh, को बेहतर बनाने के लिए सरफेस ग्राउंड वाटर दोनों को ये मॉनिटरिंग स्टेशन इस्ट कर रहा है नेशनल वाटर पॉलिसी टू ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पॉलिसी है जहाँ पे रिवर कॉरिडोर को कंजर्व uh, करने की बात की जाती है वाटर बॉडीज़ को बचाने की बात की जाती है कि इंडस्ट्री एफिलेंट्स लोकल सेसपूल्स रेजिड्यूज फर्टिलाइजर्स जो हम पानी में यू ही छोड़ देते हैं तो उनसे कैसे डील करना है तो गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉड सम पॉलिसी मेजर्स लुक एट दिस नमामी गंगे कंजर्वेशन मिशन क्लीन गंगा इसको 2014-15 में लाया गया था गंगा को क्लीन करने के लिए फंडिंग थी बीस हजार करोड़ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके अंदर सैंक्शन हुए और काफी प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो चुके हैं एग्जीक्यूशन में ये चल रहा है ठीक है एयर पोल्यूशन पढ़ लिया वाटर पोल्यूशन पढ़ लिया देन यू हैव सॉइल पोल्यूशन सॉइल सॉइल पोल्यूशन का क्या मतलब है अगेन वाटर पोल्यूशन में वाटर में कंटामिनेंट्स आ रहे हैं uh, एयर में एयर में आ रहे हैं और यहाँ पे सॉइल में जो कंटामिनेंट्स आ रहे हैं और टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है आपका सॉइल पोल्यूशन होगा और ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि इससे बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स होंगे ओके okay, इसमें कुछ रिसर्च पेपर्स ने बोला ब्लड कैंसर भी हो सकता है इसकी वजह से क्योंकि आपके प्लांट्स वहां पे ग्रो कर रहे हैं अगर पोल्यूशन उसमें होगा तो प्लांट्स विल टेकअप दोज पोल्यूटेंट्स फ्रॉम देयर रूट्स पूरे इको में आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस चले जाएंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है तो सॉइल का कंटेमिनेट होना डायरेक्टली फूड चेन में आपके पोल्यूशन जो पोल्यूटेंट्स हैं वो एंटर कर जाएंगे ठीक है अब सॉइल पोल्यूशन का रीजन क्या है तीन रीजन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पुअर मैनेजमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर सेम जो पानी के हैं वो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं अब रेमिडेशन वर्ड का क्या मतलब होता है डी कंटेमिनेशन की कंटेमिनेशन को रोकना उसे ठीक करना अब जैसे किसी ने यहाँ पे पूछा था बायो रेमिडेशन तो बायो रेमिडेशन में मतलब आप किसी चीज को कंटेमिनेशन फ्री कर रहे हैं लेकिन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज करके दैट विल बी बायो रेमिडेशन पोल्यूशन so, को रोकने के लिए यू हैव टू डीकंटामिनेट द दॉल अब यहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ना क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं है सॉइल पोल्यूट होगा सॉलिड वेस्ट आपका प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है सॉइल पोल्यूट होगा आपको सही से चीजें स्टोर करना नहीं आ रही केमिकल्स और न्यूक्लियर वेस्ट सॉइल पोल्यूट होगा लैंडफिल्स दिल्ली में ही देख लो कितने सारे लैंडफिल्स हैं आपके आपको पता ही नहीं है छोटे छोटे हमारे जो टाउन्स हैं यहाँ पे तो पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वेस्ट को डंप करना है इंडस्ट्रियल प्लांट्स माइनिंग का क्या करना है सो इससे सॉइल को आप पोल्यूट कर रहे हैं ऑब्वियसली नेचुरल पोल्यूटेंट्स भी होते हैं सॉइल में जो इम्बैलेंस कर देते हैं फिर वो पानी से प्रेसिपिटेट होकर ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएंगे ठीक है और यहाँ पे आप जैसे क्लोरीन हो गया ये सब चीज़ें परकुलेट कर जाएंगी नेचुरल पोल्यूटेंट्स आर देयर बट कोई भी पोल्यूशन आप लिखो ना यू शुड नो कि नेचुरल रीजंस भी हैं पोल्यूशन के बट नेचर उनको बैलेंस करना जानती है तो हमारे जो एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स हैं ना एक्टिविटीज़ हैं वो नेचुरल पोल्यूटेंट्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर देती हैं अब सॉइल के लिए एंथ्रोपोजेनिक यानी मैन मेड पोल्यूटेंट्स क्या हैं एक्सीडेंटल स्पिल्स एंड लीक्स हो रहे हैं जो हमने ओशन में पढ़ा वहाँ पे तो ऑयल स्पिल हो रहा है यहाँ पे कुछ भी डीजल गैसोलिन कुछ भी गिर सकता है स्टोरेज के दौरान ट्रांसपोर्ट के दौरान केमिकल्स लीक हो सकते हैं एक्सीडेंटल जान के नहीं करेंगे बट हमारी गलती से हो जाएंगे माइनिंग एक्टिविटीज वहाँ पे आप रॉ मटेरियल्स को क्रश कर रहे हो प्रोसेस कर रहे हो और किस तरह के रॉ मटेरियल्स हैं वहाँ पे हैवी मेटल्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस कंस्ट्रक्शन हो रही है उनमें सॉइल पोल्यूशन होगा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज अगेन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स को तो हर क्वेश्चन में घुसाओ व्हीकल एमिशन अल्टीमेटली सब डस्ट आके सॉइल पे सेटल हो रही है केमिकल वेस्ट स्टम्पिंग अगर आप कर रहे हैं पेंट चिप्स ये सब आप पल्यूटेंट्स डाल सकते हैं फिर बात आती है मेजर्स मिटिगेशन कि इसको रोकना कैसे है ट्रीज लगाइए कंटूर कल्टीवेशन कीजिए टेरेसिंग कीजिए डिफॉरेस्ट्रेशन को रोकिए, डंपिंग जो मटेरियल की यू ही कर रहे हैं उसको रोकिए, रिसाइकलिंग रीयूज और टॉक्सिक केमिकल्स पे भी बैन लगना चाहिए ठीक है तो आज हमने तीन तरह की पॉल्यूशन पढ़ लिया एयर वाटर सॉइल ठीक है तो ये आपके तीन पोल्यूशंस पूरे हो चुके हैं नेक्स्ट फे लेट्स सी नॉइस ले लेंगे और एक और देख लेंगे नॉइस और कौन सा है और क्वेश्चन आपके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज बाय स्टील इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री कौन से पोल्यूटेंट्स को रिलीज करती है सल्वर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता चलेगा सारे ही पोल्यूटेंट्स जो हैं वो आपकी स्टील इंडस्ट्री रिलीज करती है सब ये वहाँ पे ऑक्साइड जो है यूज होती हैं ठीक है यस yes, डी तो अभी तो मैं आपको आंसर दिख भी रहा होगा यहां पे बट वेन आई टेक द टेस्ट ऑन स्पेशल क्लास ना तो उसमें जरूर आना क्योंकि वहां पे आंसर नहीं दिखेगा यू विल गेट पोल अब क्वेश्चन है इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो 2013 में आया था इनट इन यूमरेट द नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया टेकिंग रिवर as एज एन एग्जाम्पल the strategies द may विच adopted फॉर रिवर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो आपसे पूछा गया बताइए किस तरह की स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करें तो ये सवाल का मतलब क्या है डायरेक्टली मिटिगेशन बताइए वाटर पूछा है तो हर रिवर की भी एग्जाम्पल देनी है आपको यहाँ पे रिवर पूछा गया रिवर इकोसिस्टम लीगल प्रोविजंस और मैनेजमेंट भी बताने तो कौन सा एक्ट आया उसमें क्या हो रहा है चार हमने डिस्कस किए क्योंकि, और और वेस्ट को कैसे हैंडल करना है तो कभी भी आप क्वेश्चन को देखें तो देखें उसके कितने पार्ट्स हैं पहले पार्ट में वो नेशनल वाटर पॉलिसी की बात करता है। दूसरे में वो लिखते हुए ठीक है so, सो अभी मैं हूँ दो मिनट और यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं उस, उस, उतने समय में मैं आपको आइकॉनिक के बारे में बता दू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत बेहतर लगती है मुझे फॉर द बिगिनर्स वन ऑन वन तब तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए आप नीचे लाइव मेंटोरशिप आपको मिलता है मेंटोर दिया जाता है जो आपको बताता है कि एक्चुअल में आपको कैसे प्रिपेयर करना है सो so, अगर आप मेरा टेलीग्राम पूछ रहे हैं सभी वोनेका हंडर स्कोर यू करके सर्च करेंगे तो आई थिंक यू विल गेट वीरो यूपीएससी वगैरह टेलीग्राम पे लिखो आ ही जाएगा मेरा चैनल चैट बेस्ड डाउट सॉल्विंग होगी स्टडी बूस्टर सेशंस फिजिकल नोट्स आपको मिलेंगे और ई जो है इनकेस यू डोंट वॉन्ट टू गिव वन फुल मनी एट वन टाइम एक बार में नहीं देना चाहते तो आप ये कर दीजिए इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप पर मंथ पैसे देंगे पॉकेट पे बर्डन नहीं रहेगा और खुद पे अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे यस यू सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ भी पूछ रहे हैं कि नास्टमी डाउट दरबार आपका ट्वेंटी नाइन तक है अगेन जस्ट रिमेंबर द कोड क्योंकि अगर आप मेरा कोड यूज कर रहे हैं तो आपको मेरा फुल सपोर्ट रहेगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल नेम इज ओके आप यहीं पर ये यह लाइव चार्ट में लेट मी शेयर इट विद यू ना चलिए मैं यहाँ पर पोस्ट करी ठीक है आई थिंक आईव पोस्टेड दिस इज द चैनल यू कैन ज्वाइन मी ही ठीक है तो एनी अदर क्वेश्चन डिग्री फॉर यूपीएससी, डिग्री कोई यूपीएससी के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए आपको अब ग्रेजुएशन होना चाहिए सभिया थैंक यू सो मच आई ट्राई टू कवर एवरी टॉपिक वेरी कॉम्प्रीहेंसिवली बट स्टिल दर इज लॉट मोर टू कवर आई विल बी टेकिंग प्लस क्लासेज सून तो दिस यू कैन कंसिडर कि आई एम ऑल्डो कवरिंग एवरी थिंग हेयर ऑल्सो बट मेनी थिंग्स विल भी अपडेटेड इन द क्लास कोर्स तो यहाँ पे फाउंडेशन पूरे अच्छे से मैं आपका कवर कर रही हूँ यू डोंट हैव एनी थिंग मच टू आस्क सो थैंक यू सो मच फॉर हियर कल बचा हुआ जो पोल्यूशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे और जो डिस्कशन हम लोगों ने किया है मृणाल सर सुदर्शन सर अनिरुद्ध सर अभी एक प्ले लिस्ट बनी है आपकी पूरे मेंस के पेपर वहाँ डिस्कस किए गए इन्वायरमेंट एंड निकोलॉजी मैंने अच्छे से डिस्कस किया उसको अच्छे से देखें बिकॉज मैंने वहाँ पे एक्चुअली एक्सप्लेन किया कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नॉलेज आपको होती है पता है बहुत नॉलेज होगी लेकिन वन फिफ्टी वर्ड्स में अपनी नॉलेज बताना कि यस मुझे नॉलेज है और टू फिफ्टी वर्ड्स में बताना इज़ अ डील इज़ अ बिग डील तो स्ट्रक्चरिंग आंसर की बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि एक्चुअल में वहाँ क्या लिखना है वही बात है ना एयर पोल्यूशन आपको पता है क्या है मैं नहीं भी पढ़ाती तो आपको पता है वाटर पोल्यूशन पता है कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअली उसमें कौन से की हैं जो आपको पेपर में मैंशन करने हैं जिन जिनपे मार्क्स मिलेंगे तो वो आपको टीचर बताता है अदरवाइज कोई आज वाला कॉन्सेप्चुअल में मैं समझ सकती हूँ कि आपने मेरे से कुछ सीखा होगा आज आपने मुझसे कुछ सीखा नहीं होगा बट ये सीखा होगा कि की क्या यूज़ करना है ये मिस हो गए तो बिल्कुल जनरल आंसर आप लिख के आएंगे ये एयर पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन है मार्क्स नहीं मिलेंगे चलो गाइज टेक केयर बाय बाय